हाय गाइस, आप सभी लोगों का टेक्निकल माजिद यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं माजिद महफूज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप किसी भी जिप फाइल को कैसे अनजिप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने एक जिप फाइल डाउनलोड की थी इंटरनेट से अपने ब्लॉगर में अपलोड करने के लिए थीम, ठीक है। तो ये है मेरी थीम, मैं इसको अपलोड करूँगा अपने ब्लॉगर की जो वेबसाइट बना उस पर। फिलहाल ये होती है जिप फाइल में, जैसे कि आप कोई भी फोल्डर डाउनलोड करते हैं तो अक्सर वो जिप फाइल में होती है, कोई भी थीम ऐसी कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं जो जिप फाइल में होती है। तो इसकी पहचान के लिए जो इसका एक्सटेंशन होता है डॉट के बाद जिप लिखा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ZIP, ठीक है। और इसका आइकन पहचानने के लिए जो इसके फोल्डर के ऊपर चैन की आइकन बना होता है, चैन मतलब जिप का आइकन, ठीक है। और उसके सामने आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये फोल्डर है, मतलब कि ये अनजिप है, ठीक है। तो इसको जिप फाइल को फोल्डर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। दोस्तों, अगर मैं इस फोल्डर को ओपन करूँ तो इसमें होती है एक .xml फाइल जो कि हमें अपलोड करना होता है, ठीक है, अपने ब्लॉगर में, अपने ब्लॉगर के थीम में अपलोड .xml फाइल, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं .xml फाइल ये, ठीक है, .xml डॉक्यूमेंट, ठीक है, हमें ये डाउनलोड करना होता है। तो पहले हमें इस फोल्डर को अनजिप करेंगे, फिर उसके बाद डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है, उससे पहले नहीं। तो अब बात करते हैं इसको कैसे अनजिप करेंगे इस फोल्डर को, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना, उस फोल्डर पर जाना है, ठीक है, उस फोल्डर पर क्लिक करना, ठीक है। एक बार क्लिक करने के बाद आपको राइट क्लिक करना अपनी बटन से, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर पहला जो ऑप्शन होगा वो ओपन का, दूसरा जैसे कि मैं ब्रैकेट से यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर लिखा ओपन विथ ब्रैकेट्स, एडिटिंग करने के लिए, मतलब कि कोड करने के लिए ब्रैकेट्स का यूज़ करता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है वो है एक्सट्रैक्ट ऑल, ठीक है। एक्सट्रैक्ट ऑल जो है उस पर आप लोगों को क्लिक करना है, चाहे ये तीसरे ऑप्शन, चाहे आपके कंप्यूटर में जो ये तीसरे ऑप्शन में है या चौथे या फिर पाँचवें, ठीक है, आप लोगों को देख लेना है कहाँ ये है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट ऑल, ठीक है। एक्सट्रैक्ट ऑल पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आप लोगों को पूछा जाएगा ब्राउज, यानी इसको हम कहाँ सेव करें जो फोल्डर बना रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जहाँ भी सेव करना ब्राउज करके सेव कर लें। तो फिलहाल ये अभी आएगा यूज़र मतलब डेस्कटॉप पर ही, तो सिंपली मैं यहाँ पर आप लोगों को दो बटन दिखेंगे, एक कैंसिल, दूसरा एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो सिंपली एक्सट्रैक्ट वाले बटन पर जो है उसी पर क्लिक कर देना है। तो मैं सिंपली उस पर क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों, ये जो है कि अनजिप फोल्डर हो चुका है, तो देखने के लिए मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, ठीक है। दोस्तों, ये होगी अनजिप फोल्डर, ठीक है। अब मैं बहुत आसानी से ये जो .xml फाइल है इसको अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ वो फोल्डर कैसे कन्वर्ट हुआ। तो जैसे कि देख रहे हैं यही नाम है, ठीक है, ये जिप फाइल है, ये फोल्डर बन के यहाँ पर आ गया, ठीक है, जैसे कि यही नाम है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये जो फोल्डर यहाँ पर आ चुका है कि जो अनजिप होकर फोल्डर बन के। तो अगर मैं इस फोल्डर को यहाँ पर ओपन करूँ, जैसे कि आप सब लोग देख रहे, आप यहाँ से बहुत आसानी से अपने जो जिप फाइल है उसको अपने ब्लॉगर में या फिर कहीं पर भी अपलोड कर सकते हैं, जहाँ आप करना चाहते थे, ठीक है। तो देखिए, आप नेम सही है, सिर्फ ये जिप फाइल है, ये अनजिप हो गई, ठीक है। दोस्तों, आप इस प्रकार से किसी भी जिप फाइल को बहुत आसानी से अनजिप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है कन्वर्ट करने में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।